नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करें गाय का जेर अटका हुआ है, इसको जो है शारीरिक ज्यादा कमजोरी था, खान पान सही से नहीं मिला था, इसलिए गाय का जेर जो है, गाय का बच्चा भी अटक रहा था लेकिन घींच के निकाल दिया गया है, लेकिन जेर जो है अटक रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जेर गिराने के लिए हम लोगों ने कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का इस्तेमाल किए, बर का पत्ता को जला करके और उसमें चाय पत्ती और दो चम्मच हमने इसमें हल्दी, दो चम्मच मेथी और मीठा डाल करके, हाँ तो ये सब डाल करके उपयोग किए थे कि जेर गिरा दे, लेकिन गाय इतनी कमजोर थी कि जेर बिल्कुल अंदर से पुश नहीं कर पा रही थी, और जेर गिराए हुए इसको करीब 10 घंटे हो गए हैं, 10 से 12 घंटे। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसका हम लोगों ने इलाज किया है। ये पद्धति जो है ईट वाला जो पद्धति है, ये माना हुआ डॉक्टर जो है, जो कमजोर गाय होती है जिसका जेर जो है खान पान के कमी के वजह से अटक जाता है, उस गायों को ईट वाला पद्धति से जेर का निष्कासी किया जाता है। तो आप देखिए, एक ईट जो है नीचे लटक चुका है और दूसरा ईट भी धीरे धीरे प्रेशर बना रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जो पहला ईंट है इसको हम ऊपर बांधेंगे। अच्छा भाई, आप लोग ध्यान रखें कि गाय और भैंस पालते हैं तो उसको जो है सही से मिनरल और कैल्शियम दें, जिससे कि गायों को बच्चा देने में, जेर गिराने में आपका जो है परेशानी नहीं हो भविष्य में। तो ईंट वाला पद्धति से आप जेर को गिरा सकते हैं। एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, थोड़ा सा आप अपना कोई राय देना चाहते हो तो दे सकता है। अरे थोड़ा इसको हटा रहे, गाय देख सकते हैं, गाय थोड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है, और लगता है गाय तो अच्छी ब्रीड में है लेकिन दूध भी देने वाली है, लेकिन गाय थोड़ा ज्यादा कमजोर है, इसलिए इसको जो है अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाली ईट को ऊपर करते हैं। ईट ऊपर था पहले ऐसे, चालू किया रहे तो जो है काम कर सीधा ही रखिए, और गाय का जेर जो है अभी इस ईट को हम क्या करेंगे, देखिए ये ईट पहले यहाँ था, धीरे धीरे प्रेशर से नीचे लेकर के आ गया, अभी हम क्या करेंगे इस ईट को खोल देंगे, जब ये बिल्कुल जमीन पर आ गया है तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। देखिए फरकवासी मारा हुआ है कि जल्दी से खुल जाएगा, ठीक है अभी हम इसको खोल रहे हैं, फिर इस ईट को ऊपर बांधेंगे। ये देखिए खुल गया, जो हमने इसको फरकवासी बांधा था उसको खोल दिया, इसमें फरकवासी का इस्तेमाल किया जाता है, वो गिरा जो खुल गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो है हम दूसरा वाला, पहली ईट जो है नीचे चली गई थी उसको हमने ऊपर किया और इसको यहाँ ऐसे बांध दिया। ये देखिए फरकवासी का ही इस्तेमाल किया है। अब यह है आधा घंटा के अंदर जो है धीरे धीरे प्रेशर बना के जेर को गिरा देगा। जब जेर को गिराएगा तो यूट्रोगेन एक दवाई आता है होम्योपैथ का, यूट्रोगेन वो दवाई जो है 10 बूंद इस गाय को सिरिंज के द्वारा मुंह के अंदर डालना है, सिरिंज के द्वारा 10 बूंद जो है डालना है, गाय को पिलाना है 3 बार। जब यूट्रोगेन दवाई जो है पिएगा, उसके बाद जो इसका जो बच्चा हुआ टूटा फूटा अंदर जो भी जेर का या कुछ भी होगा वो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो जेर पूरी तरह से फंसा हुआ था, देख सकते हैं कितना सारा जेर ये अंदर रखा हुआ था, अभी जो है थोड़े देर के अंदर सारा जेर अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आप इसका जो है इस्तेमाल कमजोर गाय के ऊपर ही किया जाता है, जिस गाय को बिल्कुल ताकत कम है, जेर निकालने में सक्षम नहीं है, सट जाता है, चिपक जाता है, तो उससे करना है। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।
थर्ड स्टेज में ये पहुंच रहा है, तीसरा ये फाइनल स्टेज है, इस बार पूरा गिर जाना चाहिए जो बचा खुचा जेर होगा। फरकवासी मार रहे हैं और यही विधि इसमें कारगर होता है। ईंट किसी भी हाल में छटक के बाहर नहीं आना चाहिए, छोड़ दो, कस दे लू ना, धीरे से छोड़िए बाबू, धीरे से छोड़ा छोड़ा छोड़ा, थर्ड विधि है और लास्ट है। दो चार मिनट के अंदर जेर गिर जाना चाहिए और अभी आराम से धीरे 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 प्रेशर बनाएगा और जेर पूरा बाहर आ जाएगा। जितनी गंदगी है वो भी बाहर आ जाएगा साथ में। तो जितने जो देख रहे हैं इसका जो अंदर जम गया था जेर नहीं निकलने से, वो भी पूरा बाहर आ जाएगा। तो लास्ट पोजीशन में अब है गलीना के मुंह बना बैठा ले, वो लकड़ी मांगी थी तो उठते न है, हम लकड़ी दी बा हाँ। पाँच सात मिनट में जेर पूरा बाहर आ जाना चाहिए। आपके नीचे आप देखो लकड़ी, धीरे 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 जेर जो है निकलना शुरू हो गया, खत्म के तरफ है। ये देखिए पूरा जेर यहाँ निकल गया है, थोड़ा सा जेर बचा है। तो ये पद्धति से आप पूरी तरह से जेर बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, आधा घंटा एक घंटा के करीब, लेकिन ये पद्धति सबसे बेस्ट है। तो धीरे 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 आप प्रेशर बना करके इसके द्वारा गाय को सहयोग के द्वारा जेर निष्कासित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब थोड़ा सा जेर बचा है, लास्ट स्टेज में है। मोटा मोटी जेर जो है बाहर आ चुका है, ये फाइनल होगा शायद। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जेर जो है दोबारा ईंट नीचे आ गया, जेर पूरा निकलने की एकदम परिस्थिति में है। और हमारे चाचा हैं वो इसको दोबारा फरकवासी हम नहा लिए हैं, इसलिए अब इसको बांध नहीं सकते हैं। अभी धीरे से छोड़ना, और धीरे से इन्होंने छोड़ दिया है, बचवा के हटा दीजिए वहां से। और ये जो विधि है जेर निकालने का सबसे बेहतर विधि है, 5-10 मिनट पहले जो हम आपको वीडियो बनाए थे उसमें आपने देखा था कि जेर बिल्कुल नहीं गिर रहा था, लेकिन अभी जो जेर जो है 80% निकल चुका है। अब वो 5 मिनट के अंदर जेर पूरा बाहर आ जाएगा। इसमें घिचाव करने से गाय का नस निकल जाता है बाहर, इसलिए गाय मर जाती है। कभी भी गाय को हाथ लगा के और जेर नहीं गिराना चाहिए। और ये जो परिस्थिति है ये सामान्य होता चला जा रहा है, गाय नॉर्मल हो रही है, कंपन हो रहा था थोड़ा देर पहले। तो गायों का जो जेर निकालने का सबसे बेहतर जो पद्धति है ये यही है कि आप अगर जेर अटक जाए तो ईंट को ऐसे बांधना है। ये देखिए कैसे बांधा हुआ है क्रॉस में कि ईंट निकले ना बाहर, और फिर वहाँ फरकवासी लगाया जाता है कि अगर घींचना है खोलना है और आराम से खुल जाए तुरंत, और फिर उसी ईंट को ऊपर बांध देना है। तो मोटा मोटी जेर 80% देख सकते हैं निकल गया है। और इस पद्धति का गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो भी इसको इस्तेमाल करके जेर को बाहर कर सकता है। ये हमारे चाचा हैं और इन्होंने इनकी गाय इन्होंने खरीदा था, और गाय थोड़ा ज्यादा कमजोर था, तो इन्होंने जेर निकालने के लिए जो है रात को भी हम लोगों ने प्रयास किया था, एक बरगद के पत्ते वाला जला करके उसका पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। चले बहुत बहुत धन्यवाद। जेर गिराने के बाद भी एक इसका जो इंकुलेटेड वीडियो है वो साथ में जोड़ेंगे और बताएंगे आपको।